कुर्ती पसंद नहीं, तो नहीं लेना मुझे नहीं लेना प्लीज चले जाओ हाई एवरीवान वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो मैंने पहनी आज कुर्ती दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी आर कुर्ती हॉल और आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ कुर्तियाँ मंगाई थी शॉर्ट कुर्तीज़ एमेजोन से और ये सारी कुर्तियाँ इतनी अच्छी आ रखी है ना यू गाइज आर गोइंग टू लव इट सो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना एंड ये ऑफ दिस ब्लेवरिंगटर्स गेट इनटू द वीडियो देखो सबसे पहले तो एम गोना टॉक अबाउट दिस कुर्ती आई मीन जस्ट लुक एट द कलर इट इज़ सोप्रिटी मुझे ये कुर्ती सबसे पसंद आई है इस पूरे हॉल में because इसका फिट एंड कलर बहुत प्यारा लग रहा था मेरे पे ना पिंक कलर की कुर्ती थी ही नहीं एंड मैं अमेजॉन में चेक कर रही थी कि मुझे पिंक कलर का कोई कुर्ती मिल जाए बिकॉज़ मेरा बहुत मन था कि मैं ट्राई करूँ ये कलर एंड ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा भी लग रहा है एंड ये वाली कुर्ती ना काजमी एक ब्रांड है उस ब्रांड की कुर्ती है बट इस कुर्ती का प्राइज हुआ सेवन नाइन्टी नाइन रुपीज़ एंड उस प्राइस के हिसाब से इस कुर्ती की क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज मुझे लगी तो प्राइसिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा बस क्वालिटी इसकी एवरेज है बाकी ओवरऑल बहुत प्यारी लग रही है एंड पहनने के बाद तो इसका फिट मेरे पे बहुत प्यारा आ रहा था तो मैंने इसको साइज़ एक्सेस में ऑर्डर किया था तुम्हें तो इसमें ना हाँ एक्सेस से लेके एल साइजेस मिल जाएंगे इस कुर्ती में तुम्हें तो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा इसकी नेकलाइन और स्लीव्स पे और इसकी लेंथ मुझ पर एकदम परफेक्ट आ रही है बट अगर तुम चाहते हो कि तुम थोड़ी लूज़ कुर्ती पहनो तो तुम इसको एक साइज़ बड़ा ही ऑर्डर करना क्योंकि मैंने इसको एक्सेस में ऑर्डर किया था ना तो ये मेरे पे एकदम फिटेड आ रही है दिख रहा होगा तुम लोग को भी एंड इसकी स्लीव्स भी मेरे पे काफ़ी फिटेड लग रहा है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको साइज़ एस में ऑर्डर करना चाहिए था बट स्टिल ये ऐसे भी मुझे प्यारा ही लग रहा है तो मुझे ये भी चलेगा और इसमें यू विल गेट दिस थ्री क्वार्टर स्लीव्स एंड अदर कुर्ती दैट वी हैव इज दिस वन और इसका कलर इज ऑल्सो सोप्रिटी है ना मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा था बिकॉज़ ये काफ़ी लाइट सा ब्लू कलर है और मतलब बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सा भी लग रहा है आई रियली लाइक डिट एंड इस कुर्ती का प्राइस वॉज ओनली थ्री नाइनटी नाइन रुपीज विच इज़ सो लेस एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यू you नो know, इस टाइप की शॉर्ट कुर्तीज़ इस टाइप के पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें तो मिल जाएगी आजकल वो भी टू नाइन नाइन और वन नाइन नाइन रुपीज़ के अंडर भी मिल जाती है बट उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा एवरेज रहती है लेकिन ये कुर्ती ना प्रॉपर कॉटन फेब्रिक में है तो इसकी

उसके साथ तुम इस कुर्ती को वेयर करके देखना बहुत प्यारा लुक आएगा नीचे तुम फ्लैट्स वगैरह ट्राई करना बिकॉज़ ये व्हाइट कलर के साथ बहुत सुंदर लगेगा बाकी तुम डेनिम वगैरह के साथ तो ट्राई कर ही सकते हो मैंने ना गलती से इस टॉप को ऑर्डर कर दिया था डेट लुक लाइक अ कुर्ती है ना देखो कुर्ती लग रही है ये बस इसकी लेंथ छोटी हो गई पहले मैं इसको नहीं दिखाने वाली थी बट जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और मैंने सोचा कि अगर ये मुझे पसंद आई है तो तुम सबको भी जरूर पसंद आएगी तो मैं कैसे नहीं दिखाती एंड आई रियली लव इट सो इसका लुक इज लाइक अ ट्यूनिक टॉप ऊपर से फिटेड है नीचे से ऐसा एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है इनफैक्ट इसका एक कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने इसको साइज़ एक्सेस में ऑर्डर किया था तो वैसे तो ये फिटेड है बट थोड़ा सा लूज है लेकिन इसके पीछे में ना यू गेट दिस नॉट तो so, पीछे तुम इसके नॉट बांध कर टाइट कर सकते हो और उससे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है एंड ये पूरा कॉटन फैब्रिक में है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी तो मैंने इसको साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था एंड इसमें तुम्हें एक्सेस से लेके एक्सल तक साइज़ेस मिल जाएंगे स्टॉप का प्राइस था फाइव नाइनटीन रुपीज़ और इसमें तुम्हें इस कलर के अलावा चार पाँच और कलर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रिंस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे सो या ये तो अपना बहुत तरीके से स्टाइल हो सकता है तुम इसको डेनिम ट्राउजर्स के साथ स्टाइल तो कर ही सकते हो उसके अलावा तुम लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह के साथ भी देख सकते हो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा इफ़ यू हैव दैट व्हाइट कलर का मैक्सी स्कर्ट उसके साथ ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा एंड ऊपर तुम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ट्राई करना इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉप नेक्स्ट ऑफ वी हैव दिस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती एंड इसका ये प्रिंट है ना जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है मुझे इस कुर्ती में बिकॉज़ फ़ोटो में तो ये कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा था बट सामने से ये प्रिंट बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है जस्ट लुक अभी भी आई डोंट नो ये कैमरे में कैसा दिख रहा होगा बट सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर है इस कुर्ती की लेंथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है जितनी शॉर्ट कुर्तीज़ होती है उससे भी ज़्यादा शॉर्ट है एंड ये थोड़ा थोड़ा टॉप की जैसा भी लग रहा है बट देखो उस पर लिख रखा है कि ये कुर्ती है तो हम इसको कुर्ती ही बोलेंगे एंड इट्स अ रियली गुड लाइक ये भी ट्यूनिक टॉप की तरह इसका लुक है एंड इसमें यू गेट थ्री फोर क्वार्टर स्लीव एंड दिस बलून स्लीव इसमें तुम्हें ना वी नेकलाइन मिल जाएगी सो so, इस कुर्ती का प्राइस वॉज फोर थर्टी नाइन रुपीज एंड अगेन द क्वालिटी इज वेरी गुड मैंने इसको साइज एस में ऑर्डर किया था तो इसीलिए मेरे पे थोड़ी लूज है बिकॉज इसका लुक थोड़ा सा ओवरसाइज जैसा है तो आई विश इसमें एक्सेस होता तो वो मुझे एकदम परफेक्ट आता एंड इसमें तुम्हें एस से लेके टू एक्सल तक साइजेस मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है वो बट ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो तुम इसको अपने साइज में ही ऑर्डर करना है ठीक है और हाँ इसमें तुम्हें तीन और कलर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे एन कुर्ती वी हैव इज दिस पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी पैटर्न चिकनकारी कुर्ती ये और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ना मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने पिंक कलर की दो कुर्तीज़ मंगा दी बट ये कलर में और ये कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एंड इसका ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना और इस वाले एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी जमीन आसमान का फर्क है मुझे इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू दिस कुर्ती बट अभी हम इस कुर्ती के बारे में बात करने वाले हैं मुझ पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं आ रही है बट अगर तुम्हारी हाइट अच्छी है तुम पे परफेक्टली आ जाएगी मेरी हाइट छोटी है ना इस कुर्ती में भी तुम्हें इसकी नेकलाइन पे स्लीवस पे और यहाँ यह पे छोटे छोटे पैटर्न मिल जाएंगे एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले पूरे एंड इसको मैंने साइज एस में ऑर्डर किया था क्योंकि इसमें साइज एक्सेस नहीं था एंड इसीलिए मेरे पे थोड़ी बड़ी सी आ रही है मतलब मेरे पे परफेक्टली फिटेड तो नहीं आ रही है अगर इसमें एक्सेस होता तो वो अच्छा रहता एंड इसका प्राइस वॉस फोर ट्वेंटी नाइन रुपीज़ बट क्वालिटी मुझे इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे इसके साथ एक दिक्कत यह है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने इसको न्यू मेरे को भेजा है मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पहन के दाग लगा के मुझे भेजा है बिकॉज इसमें ना इसके ये फ्रंट साइड में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के स्टेन लग रखे हैं तो आई डोंट नो क्यू ऐसा भेज रखा है आई माइट रिटर्न दिस बिकॉज ऐसे पहनने का मेरा मन नहीं करता एंड एट लास्ट वी हैव दिस प्रिंटेड ग्रीन कलर्ड ए लाइन कुर्ती और इसका ये ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है ये ग्रीन ब्ल्यूश सा कलर है बहुत सुंदर कलर है बट इसको ना मैंने साइज एक्स में ऑर्डर किया था बिकॉज इसमें एक्सेस अवेलेबल नहीं था और ये जो ब्रांड है ये अमेजोन का ही ब्रांड है एम वाई एक्स अब इसको मिक्स बोलते हैं या मैक्स बोलते हैं वो मुझे नहीं पता सो so, या yeah, इसका साइजिंग मेरे पे बड़ी हो रही है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैंने इसको एज में ऑर्डर किया था तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है अगर तुम देख सकते हो तो तुम भी इसको अपने साइज़ में ऑर्डर करना मेरे जैसे चलाक मत बनना क्योंकि ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो तुमको साइजिंग का इशू रहेगा अगर तुम इसको अपने साइज़ में नहीं ऑर्डर करोगे तो एंड वैसे ना ये कुर्ती काफ़ी प्यारी थी अगर इसका फिट मेरे पे परफेक्टली आता एंड इसका लुक कुछ ऐसा है इट्स अ ए लाइन कुर्ती और फ्रंट में यू विल गेट दिस कॉलर नेक लाइन और थ्री फोर क्वार्टर स्लीव इसका प्राइस था थ्री सेवेंटी नाइन रुपीज प्राइसिंग के हिसाब से क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इसमें अभी ऑलमोस्ट साइजेस आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं अभी एस एम और मुझे टू एक्सल ये साइजेस दिख रहे हैं तो तुम चेक कर लेना अगर तुम्हारा साइज़ है तो सो या दिस वेर ऑल द कुर्तीज दर आई गॉट फ्रॉम एमेजोन एंड दिस वॉज ऑल फॉर टू डे इस वीडियो आई होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल इफ यू डेट प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो सो आई एम गोइ्स यूजफुड इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड स्टेफ टेक केयर बाय